बेंगाबाद के मोतीलैदा में इन दिनों अपराधियों का तांडव है और इन अपराधियों के तांडव की वजह से मोतीलैदा के लोग भयभीत हैं। आखिर मोतीलैदा को किसकी नजर लगी है कि लगातार वहां हत्याओं की खबर सामने आती रहती है और आज भी एक ऐसे ही वारदात सामने आई है जिसने सनसनी फैला दी है। क्षेत्र के लोग कई सवालों का चर्चा कर रहे हैं। दरअसल आज सुबह शंकर ठाकुर, जिसकी उम्र तकरीबन 45 वर्ष है, उनकी निर्मम हत्या कर दी। आपको बता दें कि शंकर ठाकुर मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सीओडी के पत्रो गांव के रहने वाले थे। उनके पिता का नाम नारायण ठाकुर है। आखिर इस हत्या के पीछे किसका हाथ है वो अब तक पता नहीं चल पाया है। हालांकि बेंगाबाद थाना प्रभारी ने कहा है कि इस मामले का जल्द ही उद्भेदन कर लिया जाएगा। आपको बता दें कि मोतीलैदा में आज से ठीक कुछ महीने पहले भी एक हत्या हुई। उससे पहले भी कैलाश यादव हत्याकांड सुर्खियों में रहा था। कैलाश यादव हत्याकांड के मुख्य आरोपी अब तक फरार है। हालांकि कुछ मुख्य आरोपी सलाखों के पीछे हैं और कुछ अब तक फरार हैं। हालांकि पुलिस ने कुछ मुख्य आरोपी के घरों की कुर्की जब्ती भी की थी, जिसे समाधान इंडिया ने आप लोगों के बीच लाया था। पर शंकर ठाकुर की हत्या के पीछे आखिर कौन है, यह भी एक सवाल है। प्रशासन के लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि मोतीलैदा में इस तरह की वारदात की घटना का अंजाम जो लोग दे रहे हैं, जो अपराधी दे रहे हैं, उसको कैसे रोका। ग्रामीणों में भी कई तरह की चर्चाएं हैं। आखिर ऐसी वारदात की घटना देकर मोतीलैदा को बदनाम क्यों किया जा रहा है। मोतीलैदा शुरू से ही बदनामी, अपराधी और ना जाने कितने तरीके के चीजों को लेकर आज अपनी पहचान बना रहा है और उस पहचान में मोतीलैदा के लोग अपने आप को शर्मिंदा महसूस करते हैं, क्योंकि मोतीलैदा में लगातार ऐसी ही वारदात होती है जो कई सवाल खड़े करते हैं। समाधान इंडिया ने आज के हुए इस हत्या की खबर को प्रमुखता से आप लोगों तक लाने का प्रयास किया है, जिसे आप देखें। मोतीलैदा पंचायत एक बार फिर से सुर्खियों में है। सुर्खियों में होने की वजह है कि मोतीलैदा पंचायत में एक बार फिर एक हत्या की खबर सामने आई है। आपको बता दें कि आज मोतीलैदा पंचायत के हरलवाटांड उसी नदी के किनारे 45 वर्ष अधेड़ का शव मिला। वहीं शव के पास से धारदार हथियार बरामद की गई है। आशंका जताई जा रही है कि अपराधियों ने उसे धारदार हथियार और पत्थर से कूच कूच कर मार डाला है। हालांकि शव की शिनाख्त मुफस्सिल थाना क्षेत्र के ग्राम पतारी निवासी नारायण ठाकुर के 45 वर्ष पुत्र शंकर ठाकुर के रूप में की गई है। घटना की जानकारी मिलते ही इंस्पेक्टर गुलाब सिंह, बेंगाबाद थाना प्रभारी श्रीकांत ओझा, ASI BK सिंह सदल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल भेज दिया है। वहीं इस मामले में थाना प्रभारी श्रीकांत ओझा ने कहा है कि प्रथम दृष्टया में यह हत्या प्रतीत होता है। बहुत जल्दी पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है और बहुत जल्दी मामले का उद्भेदन भी कर लिया जाएगा। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पतारी निवासी नारायण ठाकुर के 45 वर्ष पुत्र शंकर ठाकुर गिरिडीह पटेल नगर में अपनी सैलून की दुकान किए हुए थे। हर दिन की तरह सोमवार को भी वो अपनी दुकान रात 8:30 बजे बंद कर शंकर ठाकुर अपने घर वापस लौट रहा था। इसी बीच वह रास्ते में ही गुम हो जाता है। जब रात 9 बजे तक घर नहीं लौटा तो उनके पुत्र और पुत्री ने उससे संपर्क साधने की कोशिश की, पर उनसे बात नहीं हो पाई तो चिंता और बढ़ गई। वहीं इसकी जानकारी मुफस्सिल थाना को रात में ही दे दिया गया था। हालांकि पुलिस खोजबीन करने लगी। मोबाइल का लोकेशन ट्रेस में भी मोतीलैदा पंचायत ही बताया जा रहा था। वहीं अगले सुबह उसी नदी से बालू लाने जा रहे ट्रैक्टर के चालक ने देखा कि नदी के किनारे खून से लथपथ शव पड़ा हुआ है। हो हल्ला हुई और देखते ही देखते ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई और इस घटना की सूचना पाकर बेंगाबाद पुलिस भी मौके वारदात पर पहुंची। बहरहाल आखिर शंकर ठाकुर की हत्या किसने की है और इस हत्या के पीछे कौन है, ये अब तक सवाल के घेरे में है। घटना का खुलासा नहीं हो पाने के कारण लोगों में तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। हालांकि मुफस्सिल और बेंगाबाद की पुलिस अपराधियों के गिरेबान तक पहुंचने में छापामारी कर रही है। अब देखना यह है कि शंकर ठाकुर की हत्या के पीछे आखिर कौन है और उस तक पुलिस कब तक पहुँच पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, समाधान इंडिया। एक डेड बॉडी मिली हुई है मोतीला क्षेत्र में, नदी समीप। क्या नाम हम लोग को सूचना मिला कि एक डेड बॉडी मोतीला नदी किनारे जंगल क्षेत्र में एक डेड बॉडी पड़ा है। ज्ञात हुआ कि मृतक का नाम शंकर हजाम, 45 वर्ष, बाप का नाम नारायण हजाम है। साथ ही इसका सीओडी पतारी थाना मुफस्सिल गिरिडीह है। इसके गुमशुदगी का रिपोर्ट मुफस्सिल थाना में कराया गया था। रात में मुफस्सिल थाना के पुलिस बल इसके इस संबंध में खोजबीन कर रहे थे, लेकिन आज सुबह पता चला कि
एक व्यक्ति का डेड बॉडी पड़ा है, इस आधार पर हम लोग यहाँ पहुँचे। मामला का जल्द ही खुलासा कर दिया जाएगा। क्या हत्या किस आधार पर किया गया? गला रेत का क्या किस तरह से? गला रेत दिलहमी से इसकी मारपीट किया गया है, मारपीट हत्या की गई है, धारदार हथियार से भी इसका गला वगैरह पीछे घटनास्थल से तो उसका ब्लड है यहाँ पर, औजार वगैरह था उसका, जो मृतक है इसी का औजार था, या कहीं अपना इसका सैलून है, उस सैलून में काम करता था, वहीं से ही निकला था।